बोलदे से बटन हो बंदे जो भगत मुखों कह दवे वो बचन पूरा परमेश्वर आप कराउंदा। हुण तुसी सवाल करो कि बचन किवें पूरा हुंदा तां उत्तर धन गुरु अर्जन देव जी दिंदे आ, प्रभ जी बसै साध की रसना, साधु की रसना ते परमेश्वर का वास हुंदा। महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी कदे कदे कथा विच बचन सुनाया करदे, कहिंदे भाई जिहड़ा पूर्ण संत पूर्ण साधु हुंदा ना उहदे पंज थाम चार थावां ते परमेश्वर उहदे निवास हुंदा विशेष तौर ते। एक तां उहदे नेत्रां विच, दूजा उहदी जुबान विच, तीजा उहदे हिरदे विच, चौथा उहदे चरणां विच ते पंजवां उहदे हत्थां विच। ध्यान नाल सुणियो, नाम जपण वाले साधु की जिथे निगाह पै जाए ना, निगाह पापी मनुख ते भी निगाह पै जाए वह भी तर जाता, धनता दे योग हो जाता। ग्वालियर दे इलाके विच एक अज तो 150 साल पहला एक बड़ी प्रसिद्ध हस्ती होई, महापुरख होए, उन्होंने छलोने वाले बाबा जी करके उन्होंने जिक्र आया। छलोने वाले बाबा जी, उन्होंने जीवन का जिक्र भाई वीर सिंह जी ने संत गाथा विच कीता। ग्वालियर का राजा आया, बेनती की मेरे महलों में चरण पाओ। कहन लगे भाई गुरु घर की मर्यादा साढ़े तेड़ केवल कशहरा, बाकी बस्त्र नहीं, मर्यादा यह पूरे बस्त्र पा के असी महलों में दर्शन दे सकते हैं, उस तरह नहीं आना। बीबिया के पास शरीर जेड़ा नंगी हालत में लैके नहीं, तेड़ सारा शरीर बदन ढकिया होना चाहिए। कहन लगा जी मैं बस्त्र तैयार करा के लैके चलना। दर्जी नू लैके आया, दर्जी राजे दा खास दर्जी जड़ा राजे दी पोशाक तैयार करया करदा। दर्जी नू कहन लगा संतां दे नेड़े जाण दा हुक्म नहीं, जे तू दूरों ही उन्हां दे शरीर दी वस्त्रां दी मिणती करके वस्त्र सला दवें ना, ते जो भी तू अनाम मंगेगा वस्त्र पूरे उन्हां नू आ जाण, वो प्रसन्न हो जाण, तेनू अनाम जो मंगेगा उ ही देंगा। सत संगत जी, वो दर्जी मुसलमान धर्म नू मनण वाला, दूरों वेख के उसने वस्त्र नाप लैके हत्थी उदों वस्त्र सिया करदे सन, हत्थी वस्त्र संतां दे तैयार किते। जदों वस्त्र लैके दोबारा राजा ते दर्जी गए, महापुरशां ने वो दर्जी दे पैर तो लैके सिर तक उहदे वल निगाह पा के वेख्या। सत संगत जी दा शरीर एकदम कंब गया, कंबण लग गया, त्रेलियां आ गईयां। राजा पुछदा की गल होई, कहण लगा पता नहीं इन्हां दी ऐसी निगाह पई ना जिवें शरीर नूं करंट वजदा, इस तरह की मेरी हालत हो गई है। कहण लगे भी हुण तूं दस की है। कहण लगा मैं रोजाना वेसवा दे घर जा के वेसवा दे द्वारे जा के व्यभिचार करदा सी, कुकर्म करदा सी, पर ऐसी दृष्टि पै गई, मेरा मन अंदरों मुड़ गया, मेरे पाप कंब गए इन्हां दी दृष्टि नाल कि अज तो बाद ये पाप नहीं जिंदगी च करना। आखो भाई वाहिगुरु, ये प्रभु दे प्यारियां दी दृष्टि विच शक्ति हुंदी है। जदों अमृत दृष्टि पा दिंदे है ना प्रभु दे प्यारे, तां साध संगत जी वड्डे वड्डे पापियां नूं तार दिंदे है। रसना तो जो बचन कर देन, उन्हां दे बचन दुनिया दा भला कर दिंदे है। साध संगत जी, कोई आपां घर विच जदों कोई नवां मकान पवाई दा, आपां ये बचन करीदा भी भले पुरश तो, साधुआं तो, महापुरखां तो, गुरसिखां तो, गुरमुखां तो घर दी न्यों रखाइए। क्यों रखाई दी है? नाम जपण वाले सेवा करन वालियां दे हाथ पवित्र हुंदे है।
धार्मिक ग्रंथां दा फरमान है हस्तो पवित्रो यदि दान पुण्यं पावो पवित्रो यदि तीर्थ यात्रा वाक्यं पवित्रं यदि राम नामं हृदयं पवित्रं यदि ब्रह्म निष्ठा। हाथ ऐनी पवित्र होंदे जिवें आपां सोचदे हां, हाथ पवित्र होंदे आ सेवा करके, इट्टां ढो के, सीमेंट ढो के, झाड़ू दे के, बर्तन मांज के, सेवा करके हाथ पवित्र होंदे। उदां हाथ नहीं पवित्र होंदे कदे वास्ते। साध संगत जी, राजे लोकां तो लोकी क्यों नहीं न्यू रखाउंदे? उहनां दे हाथ साडे नालों तां हजारां गुणा साफ ते कोमल होंदे आ, पर साधुआं तो क्यों रखाई जांदी? उहनां दे हाथ पवित्र होंदे आ। उन्होंने नाम जप जप के, सेवा कर करके हाथ पवित्र होए, पवित्र किते होंदे आ। हस्तो पवित्रो जदी दान पुण्यं, जां दसा नहुं दी धर्म दी किरत विच्चों दान करे, लंगर दी सेवा विच अपनी किरत दा हिस्सा पावे, गुरु घर दी सेवा विच हिस्सा पावे, किते भी दान पुन करे, दान करे, पुन दे पवित्र कर्म करे। चोरी ते यारी करन वाले दे हाथ साध संग जी मलीन होंदे है। ऐसे पापी दे हाथ तो कोई काम शुरू करा लो, कदे सिरे नहीं चढ़ेगा, बिघन पै जाणगे। ते पवित्र हाथां तो कोई कार्य शुरू करा लो, परमेश्वर दी कृपा नाल सारा कार्य पूरा होएगा, फतेह होएगा। इस करके पवित्र हाथ संत दे, साधु दे, महापुरुख दे हाथ जेड़े भी काम नू लग जाण, ओह कार्ज सिरे लगेगा, क्योंकि उहदे हत्थां विच परमेश्वर दी कृपा दा वास है। हिरदयं पवित्रं यदि राम नामं, हिरदा उहदा इन्ना पवित्र है कि अठे पैर उहदे हिरदे विच नाम दा प्रवाह चलदा। महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी कहिंदे सन कि कोई दुनिया दा काम लखां हजारां बंदे रल के भी पूरा ना कर सकन, नाम जपण वाले दे हिरदे विच फुरना ही पैदा हो जाए ना, फुरना ही, उहदे संकल्प नाल ही ओह कार्ज सिरे हो जांदा। हिरदा नाम जप जप के पवित्र होया हुंदा, हिरदे विच प्रभु दे नाम दी शक्ति हुंदी है, इस करके रब दा उत्थे वास हुंदा। इस तों अगे साध संगत जी फेर है चरण, जिथे साधु दे चरण पैदन ओह धरती भी धनता दे योग हो जांदी है। अठ सठ तीर्थ जह साध पग धरै, तह बैकुंठ जह नाम उचरै। गुरु अमरदास जी नूं कहा सी ना गुरु अंगद देव जी ने, पुरखा गोंदा खत्री आया, ये जिहड़ा ब्यास दे नगर, ब्यास दरिया दे किनारे नगर वसाउंदा, भूत प्रेत अवगत रूहां दा नगर उजाड़ दंदियां, नगर वसण नहीं दंदियां, नगर दी उसारी करके छत पा के आउंदा, सारा नगर रात नूं ढा दंदे आ भूत प्रेत अवगत रूहां। ये बार बार बेनतियां करदा, इस करके तुसी जाओ, आ छटी लै जाओ, वह नगर नूं वसाओ, हुण नगर वसेगा। तीजे पातशाह जी की करनी वेखो, 12 साल गुरु अंगद देव जी का इशनान, 72 साल की उम्र विच सच्चे पातशाह आए, 12 साल 84 साल तक गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी का इशनान, वस्त्रां की सेवा, लंगरां की सेवा। ते जदों धन गुरु अमरदास जी गए ना गोइंदवाल साहब, पहला ही कदम रखिया साध संग जी, उत्थे अज गोइंदवाल साहिब वस गया, गुर तीर्थ बन गया। ये तो सतगुरु की करनी है, पर पूर्ण पुरख जिहड़ी धरती ते कदम रख दे ना, अपने चरण पा दे, उत्थे भाग लग जांदे आ, भाग